केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। मैं चिन्मय दीक्षित सभी देशी विदेशी पर्यटकों का हमारे उदयपुर, प्यारे उदयपुर, खूबसूरत उदयपुर में स्वागत करता हूँ। और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं मेवाड़ी हूँ। मैं यहाँ पैदा हुआ, बड़ा हुआ, लेकिन यहाँ की खूबसूरती के कई और नज़ारे हैं जो पूरे के पूरे तमाम वर्ल्ड के टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। वो क्या है वो बताना मैं चाहता हूँ। न केवल यहाँ की लेक्स, बल्कि यहाँ के मंदिर, बल्कि यहाँ की स्ट्रीट्स, बल्कि यहाँ के लोग, बल्कि यहाँ के पैलेस, फोर्ट्स, सभी के सभी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ का मंदिर जगदीश मंदिर, वो जगदीश मंदिर जो 1000 मंदिरों में से सबसे उपयुक्त, सबसे बेहतरीन मंदिर है। क्यों? तीन कारण है। उसके तीन कारण में सबसे पहला कारण है कि ये वास्तुपरक बना हुआ है। पूरे के पूरे वास्तु, टेंपल वास्तु के लिए जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसके आधार पर यह मंदिर बना हुआ है। दूसरा, इसकी हेरिटेज वैल्यू है। 1652 में जगत सिंह जी ने इसको बनाया था। कई सारे फोक लोर्स हैं, लेकिन बेहतरीन फोक लोर्स में ये कहा जा सकता है कि जब जगत सिंह जी को स्वप्न आया कि ठाकुर जी खुद कह रहे हैं कि जब हमेशा भगवान के पास भक्त जाते हैं तो कभी भक्त भी भगवान के पास आ सकते हैं। और ऐसा हुआ, वो स्वप्न में आए, उन्होंने दर्शन दिए, और जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई तो उनके हाथों में कंगन थे। ये प्रमाणित करते हैं कि ये मंदिर में स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं, वो उच्च कोटि के हैं। हमारी प्यारी लेक्स, उदयपुर शहर लेक्स के लिए जाना जाता है, लेकिन कितने सारे टाइटल हैं, जैसे कि वेनिस ऑफ ईस्ट, जैसे कि फ्लोटिंग सिटी, जैसे कि काश्मीर ऑफ राजस्थान। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि ये लेक्स रिवर्स थी, नदियाँ थी, 12 मासी नदियाँ, पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर। जैसे कि जब हम यहाँ खड़े हुए हैं, जिसका नाम है पिछोला, जब ये नदी थी तो पिछोली थी, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ आती थी। और पूर्व में जो ये डैम देख रहे हैं ये 14th century का है, यानी कि उदयपुर बसने से पहले का ये डैम है। डिवीज़न में तो 11 लेक्स हैं, लेकिन उदयपुर के शहर में 5 लेक्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आहट नदी के द्वारा। जितनी खूबसूरत यहाँ की झीलें हैं, उतने ही खूबसूरत यहाँ के घाट हैं। घाट यानी सेरेमोनियल घाट्स। लेकिन घाट की खूबसूरती, लेक की खूबसूरती, फोर्ट की खूबसूरती, पैलेस की खूबसूरती, लेकिन एक और बात है जो हमेशा से ज़रूरत रही है, और वो है यहाँ का शानदार भोजन, यहाँ की कचौरी, समोसा, आलू बड़ा, जिसमें खास तौर पे हींग की खुशबू आती है। क्या कहने, क्या स्वाद, क्या शुद्ध मसाले, और उसकी बनावट साफ सफाई के साथ। यहाँ गलियों की खूबसूरती देखेंगे, लेकिन उसके साथ में जो छोटे छोटी सी ये शॉप्स हैं, दुकानें हैं, जहाँ पर नाश्ता भी मिलता है और दूसरी वस्तुएं मिलती है। अब मैं आपको वस्तुओं के बारे में बताता हूँ कि यहाँ का जो लेदर का काम है, जिसमें लेदर के बैग ले लीजिए, या लेदर के बेल्ट ले लीजिए, या लेदर के नॉट पैड ले लीजिए, इतने हैं शानदार कागज़, सब हाथ के बने हुए। और ये सभी के सभी हाथ के काम और हैंडीक्राफ्ट का वर्क, जिसके लिए हमें गौरव है, ये यहाँ की गलियों में मिलेगा। उदयपुर की जो ऐतिहासिक तथ्य हैं या उसके ऐतिहासिक महत्व है, वो किसी से छुपा नहीं है कि इट वॉज हैविंग ए ल्यूरिड एंड चेकर्ड हिस्ट्री, बट दिस इज द प्लेस नोन फॉर रिच आर्किटेक्चर ऑल्सो। एट द सेम टाइम उदयपुर इज ए ग्रेट अमलगमशन ऑफ वॉट, रिच आर्किटेक्चर, अमलगमशन ऑफ वॉट, रिच म्यूजिक। द्रुपद उदयपुर का, पद्मश्री रामनारायण जी उदयपुर के, इवन इट्स ए प्लेस विच इज़ नोन फॉर द मीराबाई स्पिरिचुअलिज्म, इवन इट्स ए प्लेस वेयर रजनीश यूज टू कम अवेयर टू नाथद्वारा टू मीट महात्मा भूरीबाई। सो इट इज़ ओवरऑल इट इज़ ए ग्रेट अमलगमशन। और उदयपुर विश्व प्रसिद्ध, मेरा प्यारा उदयपुर विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। धन्यवाद, और मैं आज्ञा चाहूँगा। थैंक यू।